देखो मैनू हैरानी हुंदी है, मैं हुण साढ़े तो उम्र च मेरे माता समान ने, मैं कोई गल उन्हां दी शान दे खिलाफ कह नहीं सकदा, पर मैनू लगदा कितें ना कितें वह बुखला गए ने। वो आपदी दूजी बार हार नू देखदे हुए जो अगे सामने दिख रही है उन्हां नू, उह तो देख के इह जे जिहड़े ने बेतुके बयान देण लगे हुए ने। ढींसा साहब ने तो आपदा पद्म भूषण वापस किया किसानी संघर्ष के हमायत करते हुए। सब तो पहला किसी भी नेता ने जे ये विरोध में चिट्ठी लिखी तिने कानूनों ने, तो सरदार सुखदेव सिंह ढींसा ने लिखी, और जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उत्थे भी पूरे जोरदार ढंग नाल सेंटर की सरकार का उन्होंने इन कानूनों संबंधी विरोध किया। तो असी बिना शर्त हमेशा किसानों के नाल खड़े। तो हुण मैनू नहीं लगता भी ये जिहड़ा बीबी जी का बयान है ये उन्होंने की सोच के दिता है, कि उन्हां दी मन दी मंशा है। ये तो मैं यही कह सकता उन्हां दी एक बुखलाहट उन्हां दी साफ झलकदी है, क्योंकि उन्हां कोल कोई मुद्दा नहीं। उन्हां दे राज दे विच जो लुट खसुट हुई है पिछले 5 सालों च, जिस तरह लोग कांग्रेस सरकार तो दुखी ने, उस करके इन्हां दी ये बुखलाहट इन्हां दे बयानां चों झलकदी है। देखो मैं कहांगा भी ये फैसला बहुत पहला कर लेना चाहिए सी, ते जे वो फैसला लेंदे तां इन्नियां जानां भी ना जांदियां, ते इन्ना समय दी पैसे दी बर्बादी ना हुंदी, लोग औखे ना हुंदे, इन्नी गर्मी दे विच धुप्प च बारिश च नेरी झक्खड़ च मच्छर दे प्रभाव ते जिहड़े साडे बजुर्ग साडियां मातां उत्थे बैठा नहीं, उन्हां दा बहुत वड्डा यह मैं समझदा देण है। ते उन्हां दी इस देण नूं जिहड़ा असीं हमेशा सलाम करदे हां, पर फिर भी मैं कहांगा भी देर आए दुरुस्त आए, फैसला जो भी है चलो चंगा होया। ते दूजा जो गुरु नानक साहिब जी दे जो जन्म दिन ते होया वह भी वधिया गल है। तो मैं आस करदा भी हुण जिहड़ा है ये अगे सुखावे माहौल दे विच अगे गल तुरे, ते किसानां दे होर जिहड़े मसले ने उन्हां नूं भी हल करन वल सरकार ध्यान देवे। संयुक्त मोर्चा तुहाडा ते कैप्टन ते भाजपा नाल गठजोड़ हो सकदा? देखो हजे कोई गल नहीं हुई ऐसी, कोई ना कैप्टन साहब नाल गल हुई है ना कोई बीजेपी नाल गल हुई है, ये सिर्फ उन्हां वल्लों ही जिहड़ी ये गल कही गई है। तो बाकी जो फैसले करूगी पार्टी बैठ के करूगी, जो कुछ भविख वास्ते करना है वह पार्टी लीडरशिप सारे बैठ के कर। भाजपा तो कहती है देखो अच्छ कुछ नहीं कहा जा सकता है, हजे हजे तो जोड़े कानून वापस होए ने, मतलब उन्होंने ऐलान किया कि कानून वापस होंगे ने, की किसानों दर जो मंगा ने उन्हों बारे की जी है केंद्र सरकार फैसले कर दी है, वो सारिया चीज़ों का जड़िया गलों पर असर होगा। भाजपा चो लड़ने तैयार हो जेकर यार मेरी गल सुनो, मैं हजे जे तो बहुत कुछ होंगे है, जे तो हम कहे भी जे कांग्रेस सरकार होंगी जे फलानी सरकार होंगी जे ना, देखो आप सियासी जड़िया चीज़ा ने वो जे नाल नहीं चलदियाँ, वो तो जो हालात जो जो लोगों दियाँ भावनावान ने वो सारिया चीज़ों मुख रख के फैसले किए जाते हैं। पंजाब की राजनीति से कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पंजाब के भाजपा किसानों वालों घेरिया जाता है लगातार? देखो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाब का यह सब तो वड्डा मुद्दा चल रहा है किसानी का। कानून वापस होने नाल कितें ना कितें सियासी समीकरण भी बदलणगे, कितें ना कितें मैं समझदा गा भी शायद हुण हो सकदा किसान जथेबंदियां भी इलैक्शन बारे विचारन, यह भी संभावना हो सकती है। सो सारे हर तरह के सियासी समीकरण बदल सकते हैं, ये तो समा दसेगा भी केड़ियां धिर की फैसला लेंदी है। पर किसानों वालों हजे भी मोर्चा जारी है, तो उन्होंने MSP की गरंटी दे भी गल कही है, किवें देखदे? मैं ये कोई टिप्पणी हजे नहीं करना चाहता, क्योंकि जिहड़ियां किसानों ने जो मुद्दे चके सी जिहड़ा मेन मुद्दे सी वो तो भावें हल हो गए, पर फिर भी ये जो मुद्दे ने MSP का मुद्दा पिछले जिहड़े कि कानूनी गरंटी नूं देण दा जिहड़ा मसला है पिछले 20-25 सालों तो चल रहा है। सो ये कोई नवा नहीं है,
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਚੁਣ ਸਕੇ ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।